तो अगर आप लोग एक सीएससी वीएलई हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अपडेट बताने वाला हूं, जिस अपडेट में दोस्तों यह साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों के एरिया में जब भी यह सर्विस लाइव होगी आप लोगों को दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000 तक का मंथली सैलरी मिल सकता है इस सर्विस में काम करके, इस सर्विस से जुड़ के। तो क्या है यह सर्विस और कैसे आप लोगों को इसमें काम करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिलेगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह अपडेट कहां से आ रही है और किन्होंने इस अपडेट को पोस्ट किया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्विटर में आप लोग आ जाएंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हैं दिनेश त्यागी सर जो कि सीएससी के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहां पर इन्होंने पोस्ट किया हुआ है दोस्तों, प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर्स इन विलेजेस बाय सीएससी वीएलई कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों पेपर कटिंग में भी इन्होंने पोस्ट करा हुआ है, गांव में इंटरनेट के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण युवकों के हवाले, यानी कि दोस्तों ग्रामीण युवक का मतलब यहाँ पर सीएससी वीएलई से है। और इस पोस्ट को अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर सीएससी वीएलई भाइयों को वाईफाई चौपाल के अंडर में दोस्तों काम करना रहेगा। अगर उनके एरिया में वाईफाई चौपाल का सर्विस शुरू हो जाता है, एफटीटीएच सर्विस शुरू हो जाता है, तो दोस्तों उनको देख रेख रखरखाव के लिए पोस्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी सीएससी वीएलई हैं दोस्तों उनको 10,000 या फिर 15,000 या 20,000 उनके एरिया के हिसाब से दोस्तों वेतन दिया जाएगा, हर महीने सैलरी दिया जाएगा, और वो वाईफाई चौपाल का निगरानी करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करेंगे, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कभी कभार टूट जाता है तो दोस्तों वो जाके वहां पर जोड़ेंगे, या फिर किसी का राउटर खराब हो जाता है तो राउटर भी वो ठीक करेंगे, मतलब जितने भी जिम्मेदारी रहेगी उनके एरिया की वह सभी सीएससी वीएलई को मिलेगा। तो दोस्तों यह थी अपडेट की क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन लोगों को यहाँ पर इन सर्विस में जुड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल सीएससी वीएलई को ही इसमें काम करना पड़ेगा। वाईफाई चौपाल दोस्तों सीएससी का ही है, इसलिए सीएससी अपने वीएलई भाइयों को ही यह काम देंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस लिंक पर आ जाना है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर केबलिंग या फिर न्यू कनेक्शन करना होगा तो दोस्तों सीएससी वीएलई को ही वो काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि कैसे काम करना है, इसके लिए सबसे पहले सीएससी आप लोगों को ट्रेनिंग देगी, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर में दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग कैसे देना है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सैल्यूटेशन में आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टर मिसेस जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है, लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है, फादर नेम या फिर गार्जियन नेम है तो यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिएगा। जॉब रोल में दोस्तों आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर उस वायर को कहा जाता है जिसमें दोस्तों आप लोगों का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आता है, तो उसी तार को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, लेवल आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा लेवल 3, उसके बाद दोस्तों जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद आप लोगों को सिंपली फोन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देना है, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, स्टेट अपना यहाँ पर चूज कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यह ट्रेनिंग का आप लोगों को रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोगों के जॉब के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आपके एरिया में जब भी यह काम शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन कर ले और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट जरूर ले ले, क्योंकि दोस्तों यह काम जल्द ही पूरे देश में शुरू होने वाला है। यहां पर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करिएगा, अपना सिटी यहां पर फिल कर दीजिएगा, पिन कोड आप लोगों को फिल करना होगा, ट्रेनिंग लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो दोस्तों मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा और इस फॉर्म को फिल करके सबमिट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आप लोग सिंपली यहां पर पेमेंट कर दीजिएगा पासवर्ड फिल करके और पिन फिल करके, उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने रिसिप्ट आ जाएगा, आप लोग रिसिप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप लोगों का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, आप लोगों के ईमेल आईडी में आप लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड कहां पर लॉगिन करना है वो सारा डिटेल्स आ जाता है, अगर तुरंत नहीं जाता है तो एक दो दिन में आ ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग का लिंक भी दिया जाता है कि आप लोगों को कैसे ट्रेनिंग करना है,
और जैसे आप लोग ट्रेनिंग सक्सेसफुली कर लेते हो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से मिल जाता है आप लोगों को, सीएससी एकेडमी का यहाँ पर लोगो रहेगा और क्यूआर कोड भी रहेगा। तो दोस्तों आप लोग सर्टिफिकेट भी देख लिए हैं, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस सर्विस में काम करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सीएससी वैली को उतना कमाई नहीं होता है, तो यह सर्विस जब भी आप लोगों के एरिया में स्टार्ट होगा आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो आप लोग इस ट्रेनिंग को जरूर कम्प्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।